और सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेगी। इमरान खान इस्लामाबाद में इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेंगे। करप्शन का खात्मा, गैर जानबदार एहतसाब, मुल्क को फलाही रियासत बनाने का आज़म शामिल है। खाजा पॉलिसी बराबरी की बुनियाद पर दाखिला पॉलिसी इंसाफ पर मबनी होगी। मंशूर में वादा, तहरीक-ए-इंसाफ का तालीम और सेहत के मवाके सबको देने का इंतखाबी मंशूर में आज़म। तहरीक-ए-इंसाफ का इंसाफ की फराहमी हर सतह पर यकीनी बनाने के आज़म का भी ऐलान। तफसीलात हासिल करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है आज अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करने जा रही है। इस्लामाबाद के निजी होटल में जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो 100 दिन का ऐलान किया है वो भी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, जबकि इसके साथ करप्शन का खात्मा, गैर जानबदार एहतसाब, मुल्क को जो है फलाही रियासत बनाने का भी जो है वो ऐलान किया जाएगा, जबकि खारजा पॉलिसी बराबरी की बुनियाद पर, जबकि दाखिला पॉलिसी इंसाफ पर मुश्तमिल होगा, ये जो है मंशूर में वादा किया जाएगा। इसके साथ साथ तहरीक-ए-इंसाफ का तालीम और सेहत के मौके सबको देने की जो सबको देने का जो है वो इंतखाबी मंशूर का आज़म है। इसके साथ साथ तहरीक-ए-इंसाफ का जो इंसाफ की फरहमी पर हर सतह यकीनी बनाने का जो है वो आज़म का इजहार किया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों को ज़्यादा सब्सिडी और सस्ती बिजली जैसी सूरतें जो है वो फराहम करने का वादा भी जो है वो मंशूर का हिस्सा है, जबकि इसके साथ साथ करप्शन का नारा भी जो है वो मंशूर का हिस्सा होगा। जी तफसीलात से आगाह कर रहे थे औरंगजेब काकड़, बहुत शुक्रिया आपका।